los momentos importantes. हेलो गाइस, मनी हाइस पार्ट 5 का वॉल्यूम 1 आ चुका है और उसके टोटल 5 एपिसोड्स हैं और आप ये 5 एपिसोड्स भी हिंदी में देख सकते हैं। ये सीरीज को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये बिल्कुल मनी हाइस की तरह है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स पसंद आए थे तो ये 5वां पार्ट भी आपको जरूर से पसंद आएगा। ये सीजन की स्टोरी लाइन पिकअप होती है पिछले सीजन के एंडिंग के बाद से, जहां पर अलीसा सियरा प्रोफेसर के आगे गन ताने हुए खड़ जाती है और हम सबको ब्लैकआउट कर दिया जाता है। पहले एपिसोड का मेन फोकस ये होता है कि कैसे अलीसा सियरा प्रोफेसर को टॉर्चर करती है और प्रोफेसर के मुंह से सच उगलाना चाहती है, पर प्रोफेसर तो है बहुत ही बड़ा ढीठ आदमी तो वह मुंह खोलता नहीं है। और साथ ही हमें प्रोफेसर की गैंग के बारे में बताया जाता है जो कि अभी भी बैंक ऑफ स्पेन में मौजूद है। उन सब के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा टचिंग मोमेंट रहा है इस सीजन का। दूसरी ओर हमें तमायो के बारे में बताया जाता है जो कि नए नए स्ट्रेटेजीज को अपनाता है प्रोफेसर को हराने के लिए, फिर चाहे ही उसे झूठ का इस्तेमाल करना पड़े। पार्ट 4 के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मसिल हेलीकॉप्टर द्वारा लिस्बो को बैंक ऑफ स्पेन में छोड़कर चला जाता है, फिर उसके पीछे सारी पुलिस टीम लग जाती है, तो कैसे वो उस पुलिस टीम को चकमा देता है और कैसे लैंड करके वहां से निकलता है, ये तो हमें पार्ट 5 के पहले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही मजेदार सीक्वेंस सेट किया गया है। दूसरा एपिसोड का मेन फोकस है हम सबका चहिता कैरेक्टर अतुरो रोमान। चहिता शब्द सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में आप सब ऑफेंड ना हो जाएं, इस बात में सरकाज्म को समझें। अतुरो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए कुछ हॉस्टेजेस को लेकर वेपन सेक्शन में घुस जाता है, जहां पर वो हथियारों का इस्तेमाल करके गैंग को थोड़ी बहुत तकलीफ देना शुरू कर देता है। उसी समय मोनिका अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए इस चीज को इंटरवीन कर देती है और अतुरो पर 2 गोलियां चला देती है। तो क्या इसके बाद अतुरो बचता है या नहीं, आपको तो सीजन देखने के बाद ही पता चलेगा। पार्ट 5 के 5 एपिसोड्स तो अभी आ चुके हैं और बाकी के 5 एपिसोड्स 3 दिसंबर में आने वाले हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी टीम की ये है कि वो मनी हाइस्ट को हाइप करते रहें, ताकि वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में जो हादसा होता है इसके बाद तो लोग अपने दिमाग से वो सीन को हटा नहीं पाएंगे और सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दिए होंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3 एपिसोड में तमायो के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंगल दिखाया गया है कि वो प्रोफेसर को हराने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वो आर्मी को बुला लेता है प्रोफेसर के ऊपर हमला करने के लिए। आर्मी का मेन मकसद ये होता है कि वो एक कोई भी सिचुएशन को अच्छे से टैकल करें, चाहे उसमें हॉस्टेजेस मर भी जाएं या बच भी जाएं। 3 एपिसोड्स के एंड मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, साथ ही जो बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है उससे ऑडियंस का बीपी बढ़ता चला जाता है। जैसे हमने पहले हमारी वीडियो में प्रिडिक्ट किया था, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, जहां पर प्रोफेसर अलीसा सियरा की मदद करेगा उसको उसके बच्चे की डिलीवरी करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्लाइमैक्स के साथ, जहां पर आर्मी ऑफिसर्स बैंक ऑफ स्पेन पर चढ़ जाते हैं और वहां के टेरेस को ब्लो कर देते हैं C4 एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करते हुए। ये सीरीज में फिर से हमें कैरेक्टर फ्लैशबैक्स देखने को मिले थे, जहां पर हमें फिर से बर्लिन को देखने का मौका मिला। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि कैसे बर्लिन और उसके बेटे के बीच की बॉन्डिंग स्टार्ट होती है और कैसे उसका बेटा अपनी लाइफ की सबसे पहली चोरी करता है। उसके बेटे के बारे में हमें इतनी जानकारी दे देना और 5 एपिसोड्स में उसका इस्तेमाल नहीं हो, मुझे तो ये काफी स्ट्रेंज लगता है। शायद आगे 5 एपिसोड्स जो दिसंबर में आने वाले हैं उसमें उसका बेटा एंट्री कर देगा और शायद वो प्रोफेसर की मदद कर सकता है। साथ ही हमें टोक्यो के फ्लैशबैक्स भी दिखाए गए थे कि कैसे उसकी लाइफ थी प्रोफेसर की गैंग को ज्वाइन करने से पहले। आपको याद होगा कि जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, टोक्यो पुलिस से बचते हुए आती है और प्रोफेसर उसको अपनी गैंग में ले लेता है, तो टोक्यो ऐसा क्या करती है जिसके कारण पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, इसके सवाल के जवाब भी आपको सीजन देखने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही हमें नैरोबी के भी एक क्यूट मोमेंट्स दिखाए गए थे, जहां पर वो टोक्यो के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग को शेयर करती है। 4th एपिसोड से सीजन का मेन फोकस ये है कि आर्मी और प्रोफेसर की गैंग के बीच एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है, जहां पर चारों ओर गोलियां चल रही हैं और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और कौन मरने वाला है। और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है और साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रोडक्शन
बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में कोई हाइस्ट का एक लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। सभी मेन कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात किया जाए तो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी सभी ने बढ़िया काम किया है। फोर्थ एपिसोड में कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि प्रोफेसर की गैंग का एडवांटेज बढ़ जाता है जब वो आर्मी ऑफिशियल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर आर्मी ऑफिशियल्स भी अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और वीकर स्क्वाड को टारगेट करते हैं और उनको कॉर्नर करते हुए एक रूम में ढकेलते हुए चले जाते हैं। पलर्मो को तो हम एक साइकोपैथ की तरह अब तक जानते हुए आ रहे थे, पर ये सीजन में कुछ ऐसे पल दिखाए जाते हैं जहां पर हमें ये पता चलता है कि पलर्मो के अंदर भी उसकी गैंग मेंबर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर छुपा हुआ है, जहां पर वो उनकी बहुत ज्यादा केयर करता है और उनसे प्यार भी। फिलहाल अब तो अलीसा सेरा प्रोफेसर के साथ मिल गई है। मिलने का मतलब ये नहीं कि वो गैंग ज्वाइन कर ली है, पर दोनों गुड टर्म्स पर चल रहे होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर अलीसा सेरा कुछ ना कुछ तो करेगी ही, क्योंकि वो उसका मेन मकसद ये होता है कि वो प्रोफेसर को हराए और दुनिया की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और मशहूर पुलिस ऑफिसर बने। ये सीजन में लड़कियों पर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है, जहां पर लिस्बन अपना दिमाग इस्तेमाल करती है पुलिस को चकमा देने के लिए, क्योंकि ये सीजन के शुरुआत में तो प्रोफेसर अलीसा सेरा की कैद में रहता है तो गैंग को ऑर्डर्स देने वाला कोई नहीं रहता। इसी के चलते लिस्बन ये गैंग की लीडर बन जाती है और हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि टोक्यो लिस्बन को मिस प्रोफेसर के नाम से पुकारती है। फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और लाजवाब है, क्योंकि फिफ्थ पार्ट का हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल और एंगेजिंग है और साथ ही इक्वली इंटरेस्टिंग भी। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सब जानना चाहते हैं कि वॉल्यूम 2 में क्या होने वाला है, उसके ऊपर एक प्रेडिक्शंस वाली और उसके थियरीज वाली एक वीडियो लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी वो वीडियो आएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सब कितना चाहते हैं कि वॉल्यूम 2 के बारे में जाने, तभी हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। फिफ्थ और फाइनल एपिसोड में हमें एक बहुत ही बढ़िया बैटल सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जहां पर टोक्यो, डेनवर और मनीला एक रूम में फंस जाती है और आर्मी ऑफिशियल्स आगे से हमला करना चालू कर देते हैं। दूसरी ओर बोगोटा, पलर्मो और बाकी के टीम मेंबर्स एक स्टील डोर को कट डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर आकर टोक्यो की सहायता करना चाहते हैं। दूसरी ओर रियो भी जैक हैमर का इस्तेमाल करते हुए सीलिंग को तोड़ते हुए टोक्यो के पास आना चाहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि रियो टोक्यो को कितना ज्यादा चाहता है और वहां पर हमें एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और इमोशनल मोमेंट देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद जरूर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आर्मी ऑफिसर्स अंदर घुस जाते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। टोक्यो, डेनवर और मनीला में से एक गैंग मेंबर की मौत हो जाती है और वो गैंग मेंबर जब नीचे बढ़ जाता है तो आर्मी ऑफिसर्स अंदर आ जाते हैं, तभी पता चलता है कि वो गैंग मेंबर बॉम्ब्स के सारे पिंस को निकाल चुका है और आर्मी टीम ब्लास्ट होकर चली जाती है। अब ये गैंग मेंबर है कौन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सीरीज का बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। आप खुद देखें और डिसाइड करें कि क्या वो गैंग मेंबर की मौत जरूरी थी या नहीं। इसी के साथ वॉल्यूम 1 एंड हो जाता है और वॉल्यूम 2 का इंतजार हम सब करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसे ही मनी हाइस्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं और साथ ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।